सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा सात में संस्कृत विषय में करेंगे पाठ द्वितीय के अभ्यास प्रश्न। पाठ द्वितीय जो हमने पढ़ा था, दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसमें एक कछुआ और दो हंसों की कहानी है। दुष्ट बुद्धि वाला हमेशा विनाश को प्राप्त होता है, ये हमने पढ़ा। इसमें अभ्यास प्रश्न आप देखेंगे। अब अभ्यास में पहला प्रश्न हमारा है उच्चारणम कुरुत। तो हमें लिखना नहीं है, केवल इसका शुद्धता से उच्चारण करना है। तो उच्चारण करेंगे, साथ साथ आप भी उच्चारण करेंगे। फुलोत्पलम, फुलोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा, कंबुग्रीवः, कंबुग्रीवः, आवाभ्याम, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि, उक्तवान्, हृदम्, सुहदाम, भवद्भ्याम, उड़ीयते, भ्रष्टः। इस प्रकार से ये हमारा हुआ पहला प्रश्न उच्चारण कुरुतः। अगला प्रश्न हम देखेंगे एक पदेन उत्तरतः, अर्थात हमें एक पद में उत्तर देना है। पहला हमारा प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। एक पद अर्थात एक शब्द में हमें उत्तर देना है। तो प्रश्न हमारा है कूर्मस्य, कूर्म पता है आपको, कछुआ। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो हमने पढ़ा था जैसे कि कंबू ग्रीव, क्या नाम था, कंबू ग्रीव। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, कंबुग्रीवः। तो आपको एक शब्द में उत्तर देना है, केवल कंबुग्रीवः लिखना है उत्तर में। अगला प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। के यानी कौन आए, बहुवचन है के, तो कौन आए। उत्तर हमारा है धीवराः, अर्थात मछुआरे, धीवरा। सरस तीरे के आगचन, तालाब के किनारे कौन आए। तो उत्तर है धीवरा, अर्थात मछुआरे। अगला प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा आकाश मार्गेण, तो कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है। तो उत्तर लिखना है हमें आकाश मार्गेण, अर्थात आकाश मार्ग से जाना चाहता है। अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन धावन, अधावन यानी दौड़े। लटकते हुए आसमान में लटकते हुए कछुए को देखकर कौन पीछे दौड़े थे, पोराहा, अर्थात वहाँ के नागरिक ग्वाले। तो उन्हें क्या कहा है, पोराहा। इस प्रकार ये हमारे दूसरा प्रश्न हुआ। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा है अधोलिखित वाक्यानि क कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए जो वाक्य है वो क यानी कौन कहता है, कम प्रति यानी किसके प्रति, कौन किसके प्रति कहता है, इति लिखत ऐसा लिखिए। तो क कथयति कौन कह रहा है ये वाक्य, और कम प्रति कथयति किसके प्रति कह रहा है, ये आपको लिखने हैं नाम। तो देखेंगे वाक्य
जैसा कि प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह होने पर जो उचित हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। तो ऐसा किसने कहा था? दोनों हंसों ने कहा था, और किसको कहा था? कछुए को कहा था। तो इसी प्रकार से अगला देखिए प्रश्न, अहम भवद भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। कौन जाना चाहता था आकाश मार्ग से? कछुआ। तो ये बात किसने कही थी? कुर्मह, यानी कछुआ। किसने कही थी? कुर्मह अर्थात कछुआ। और किसको कही थी? हंसों प्रति। दोनों हंसों के लिए यह बात कही थी। किसके प्रति कही थी? हंसों प्रति। अगला है, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है? यहाँ पर क्या उपाय है, यानी तुम क्या उपाय करोगे? ऐसा किसने कहा था? हंसों, दोनों हंसों ने कहा था। और किसे कहा था? कुर्मम प्रति अर्थात कछुए के प्रति कहा था। यहाँ क्या उपाय है, मतलब अब तुम क्या उपाय कर सकते हो, क्या उपाय करोगे? तो ये हंसों यानी दोनों हंसों ने कछुए के प्रति कही थी। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह बात किसने कही थी? जब हंसों ने कहा कि ना, जो लोग तुम्हें देखेंगे तो कुछ कहेंगे, तो तुम उत्तर दोगे और नीचे गिर जाओगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो कछुए ने कहा था, मैं उत्तर नहीं दूंगा, अहम उत्तरम न दास्यामि। तो कछुआ अर्थात कुर्मह, किसने कहा था? ये कुर्मह। और किसके लिए कहा था? हंसों प्रति, हंसों के प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। किसने कहा था ये? ये कछुए ने कही थी बात। तो किसने कहा था? कुर्मह। किसके प्रति? पौराण प्रति अर्थात नागरिकों के प्रति। कुर्मह पौराण प्रति। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा प्रश्न हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषात अर्थात इस डिब्बे में कुछ शब्द दिए हुए हैं, क्रियापद दिए हुए हैं, क्रिया अर्थात कार्य के शब्द दिए हुए हैं, जिन्हें जो जिसमें उचित है वह छांट कर भरना है। तो देखोगे, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था? उड़ियते। क्या कर रहा था? उड़ियते। अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं, क्या कहा था कछुए ने? मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, यहाँ पे वदिष्यामि भरेंगे। यह हित कामानाम सुहदाम वाक्यम न, जो भलाई करने वाले मित्रों के वचन को न यानी नहीं, क्या होगा? जो भलाई करने वाले मित्रों के वचनों को नहीं स्वीकार करता, प्रसन्नता से जो स्वीकार नहीं करता अर्थात अभिनंदति, जो प्रसन्नता पूर्वक अपने मित्रों के भलाई करने वाले वचनों को नहीं अभिनंदति यानी स्वीकार नहीं करता। एकः कुर्मा अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहीं पर क्या था? प्रतिवस्ति स्म अर्थात रहता था, प्रतिवस्ति स्म अर्थात रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र यानी दूसरी जगह जाना इच्छामि अर्थात चाहता हूँ। यहाँ क्या आएगा? इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। वयम ग्रहम नित्वा कुर्मम, हम सब घर ले जाकर कछुए को, हम सब घर ले जाकर कछुए को क्या करेंगे? बक्षई श्यामह अर्थात खाएंगे, बक्षई श्यामह। इस प्रकार ये हमारे रिक्त स्थान पूर्ण हुए। अगला पांचवा प्रश्न हमारा देखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः,
पूरे वाक्य में, पूरी पंक्ति में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न है, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो कछुआ, कच्छपः कुत्र की जगह कच्छप, कुत्र गन्तुम् इच्छति। तो पूर्ण वाक्य में कैसे लिखेंगे? कच्छप कुत्र की जगह लिखेंगे अन्य हदम, अन्य हदम, आगे गन्तुम् इच्छति। कुत्र की जगह आप ये लिखोगे अन्य हदम, और बाकी पूर्ण वैसा का वैसा लिख दोगे। अगला प्रश्न है, कच्छपः कम उपायम वदति? कछुए ने किसको उपाय बताया? कच्छपः कम उपायम वदति? कछुए ने किसको उपाय बताया? किसको उपाय बताया? तो हंसों, दोनों हंसों को उपाय बताया। लंबमानम, तो यहाँ पे आप पूर्ण वाक्य बनाने के लिए कच्छपः कम की जगह आप लिखोगे हंसौ, और पीछे वैसा का वैसा कच्छपः हंसौ उपायम वदति। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पोरा किम अवदन? लटकते हुए कछुए को देखकर नगरवासी क्या बोले? क्या बोले? तो उत्तर देखिए, इसमें उत्तर लिखोगे आप, नगरवासियों ने क्या कहा? हहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते। उन्हें, उन्होंने कछुए को देखकर क्या कहा? तो यहाँ से लिखोगे आप, हहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ीयते। और उससे पहले आप लिखोगे, उससे पहले आप प्रश्न का ये भाग लिखोगे, लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा पोरा, किम की जगह जो मैंने पीछे बताया वैसा लिख दोगे, फिर अवदन। अगला प्रश्न देखो, कुर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्? कुर्मः, कछुए ने मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला? मित्रों के जो वचन, मित्रों को दिए वचन को भूलकर कछुआ क्या बोला? तो कुर्मः मित्रयो वचन विस्मृत्य, फिर किम की जगह लिखोगे यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत अवदत। ठीक है, किम की जगह ये लिख दोगे यूयम भस्म खादत अवदत, ऐसा बोला कि तुम राख खाओ, ऐसा बोला। अगला हमारा प्रश्न है, घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखत, अर्थात घटना, ये कहानी हमने पढ़ी है, इसमें आगे पीछे लाइनें दी हुई है। देखिए, कूर्म हंसियों सहायता आकाश मार्गेण गच्छत, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। नगरवासियों ने बोला, हम सब गिरे हुए इस कछुए को खाएंगे। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। तो आगे पीछे दी हुई को हम क्रम में लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आएगी ये, कुर्मा हंसौ च एकस्मिन सरसी निवसन्ति स्म, कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। दूसरा आएगा, केचित दिवरा सरस तीरे आगच्छन, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। उसके बाद हमारी पंक्ति आएगी, वयम स्व मत्स्य कुर्म आदि मारिश्याम इति दिवरा अकथयन, कल हम सब कल मछली और कछुए आदि को मार देंगे, ऐसा मछुआरे ने कहा। अगली पंक्ति आएगी, कुर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर उसके बाद, कुर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंस की सहायता से आकाश मार्ग से गया। फिर लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा पोरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर नगरवासी पीछे भागे। पोरा अकथयन वयम पतितम कुर्म खादिश्याम, नगरवासियों ने, ग्वालों ने कहा, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। फिर
अंत में कूर्म आकाशात पतित पोरई मारितश्च, कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों ने नगरवासियों ने उसे मार दिया। तो इसमें बिना क्रम के दी हुई है, लेकिन आपको अपनी कॉपी में क्रम से लिखनी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे क्रम पूर्वक ही आप लिखोगे। अगला प्रश्न है, मंजूसात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए मंजूषा में जो शब्द है उनको चुनकर आपको रिक्त स्थान पूर्ण करने। ये एक कहानी दी हुई है जो आपने पिछले साल पढ़ी थी, कहानी दी हुई है, तो उस कहानी को आपको रिक्त स्थान कहानी से पूर्ण करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक पेड़ की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य, तो उस वृक्ष के आएगा कोटरे, उस वृक्ष के बिल में एक सर्प अपि वसत, एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, तो एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। उसी वृक्ष के कोटरे, उसी वृक्ष के बिल में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवे की अनुपस्थिति में काका नाम शिशुन खादती, कौवे के शिशुओं को खा जाता था। कौन? तो यहाँ आएगा सर्पह, सर्पह काका नाम शिशु नाम खादती स्मह। फिर काका आसन, जब उसके बच्चों को खा जाता था तो कौवा क्या हो गया? दुखिता। काका दुखिता आसन तेषु एकह काकह, तो तेषु एकह वृद्धह काकह उपायम अचिंत्यत, तो उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय क्या किया? अचिंत्यन सोचा। वृक्षस्य, वृक्ष के समीपे, समीप में ही जलाशय था, वृक्ष के समीप में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, वहाँ एक राजकुमारी स्नान के लिए जलाशयम आगच्छति, स्नान के लिए तो आएगा जलाशयम आगच्छति थी, आगच्छति यानी आती थी। शिलायाम स्थित तस्य आभरणम, किनारे पर स्थित उसके आभरणम यानी उसके वस्त्र आदि को, आभूषणों आदि को, आदाय यानी लेकर, किनारे पर स्थित उसके आभूषण आदि को लेकर एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठ गया। राज सेवक का काकन अनुसृत्य, राजा के जो सेवक थे वह कौवे का अनुसरण करते हुए समीप आए, इसके समीप आए, वृक्ष के समीप आए। तत्र ते तम सर्पच अमारियन, और उस वृक्ष के नीचे सांप रहता था, तो वहीं पर उन्होंने सोचा ये सांप ही है, तो उन वहीं पर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपाय सर्वसिद्धेति, इसीलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, सब कुछ हमें सफलता मिल जाती है। शिला के किनारे वस्त्र आभूषण लेकर एक कौवा पेड़ के ऊपर बैठ गया, और जब सेवक आए तो उन्होंने नीचे उस वृक्ष के नीचे सांप को, जो सांप रहता था वृक्ष के नीचे, उन्होंने उसको सोचा कि वो लेकर आया है, तो उन्होंने सांप को मार दिया। इसीलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ हमें सफलता मिल सकती है। तो बच्चों, ये हमारे अभ्यास प्रश्न पूर्ण हुए, इन्हें आप ध्यान से अपनी कॉपी में करेंगे और इनको याद करेंगे। धन्यवाद।